हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। मैंने सुबह वादा किया था कि जो यूएनओ पढ़ाई आपको, यूएनओ की जो संस्थाएं बताई थी उनके संस्थाओं के आपको वर्ष और मुख्यालय याद कराने का, वो मैं लेके आपके सामने एक बार हाजिर हूँ फिर से। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जरा चेक करिए, वन बाय वन करते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने सुबह बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं, यूएनओ, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता? 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। मैंने बताया था इसका मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका, न्यूयॉर्क में। और मैंने बताया था इसमें कितने देश हैं? अब 193। कितने देश हैं? 193। जब ये बना था, जब इसमें देश थे 51 और भारत उनमें से एक था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा मतलब पैसा। अगर दुनिया के पैसे की बात हो रही है, पूरी दुनिया के पैसे की बात हो रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे विश्व बैंक हो, विश्व बैंक में तो पूरी दुनिया का पैसा होता है, उन दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यानी कि पैसा वाशिंग मशीन में धोएंगे। दुनिया का पैसा किसमें धोएंगे? वाशिंग मशीन में। दुनिया का पैसा किसमें धोएंगे? वाशिंग मशीन में, वाशिंगटन डीसी। और दोनों की स्थापना 1945 में हुई। दोनों की स्थापना, विश्व बैंक की भी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मनी मॉनेटरी से मतलब मनी, और फंड से मतलब कोष। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कब बना? 1945 में। दोनों वाशिंगटन डीसी में। और दोनों के अंदर कितने कितने रुपए हैं? 189 रुपए। विश्व बैंक में कितने रुपए जमा? 189। विश्व बैंक में कितने रुपए जमा? 189। और मुद्रा कोष में भी 189। जब यहां दो बैंक का है, एक और बैंक है एशियाई बैंक, एशिया से हम कहते हैं मनीला, एशियाई बैंक ढूंढो जरा, एशियाई विकास बैंक एशिया। ये विश्व के हैं, विश्व वाले मैंने बताया वाशिंग मशीन में। और एशिया वाले क्या कहते हैं? एशिया वाले इतने लालची है, कहते रहते मनीला, मनीला, मनीला। तो एशिया वाले क्या कहते हैं? मनीला, मनीला, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966। तो यह ध्यान रखना, एशियाई बैंक में 66 या 67 रुपए हैं कुल। 1966 में इसकी स्थापना हुई और 67 इसमें देश है। तो एशियाई विकास बैंक में 66 या 67 रुपए, 66 से इसकी स्थापना हुई है 1966, 67 इसमें रुपए, यानी कि 67 इसमें देश है। चार याद हो चुके, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, देखो इसकी एक स्टोरी एक साथ बनाते हैं। व्यापार में कौन लग रहे हैं? श्रमिक, मजदूर। व्यापार में कौन लग रहे हैं? मजदूर। जरा देखना, दोनों व्यापार में कौन लग रहे हैं? मजदूर। सारे एक ही जगह के हैं, मजदूर। और मजदूर का क्या है? स्वास्थ्य खराब होने से क्या हो गया? 15 जनों की जान चली गई। तो ध्यान से सुनना, विश्व का व्यापार ने ले ली जान, लॉकडाउन हो रहा, मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, व्यापारियों की चली गई जान। क्यों गई? मजदूरों की भी जान चली गई, काम करने को कुछ है ही ना, तो व्यापारियों की क्या चली गई? जान, जनेवा। मजदूरों की जान चली गई, कितने मजदूरों की गई? 15 की। क्यों गई? स्वास्थ्य खराब होने से। किससे गई? स्वास्थ्य खराब होने से। जरा ध्यान से सुनना, देखो पहला वाला व्यापारियों की जान चली गई, क्यों गई? स्वास्थ्य खराब होने से। कितनों की गई? 15 जनों की। कितनों की गई? 15 जने। कौन थे वो 15 मजदूर। तो जेनेवा का 1, 2, 3 और 4, मैं उम्मीद करता हूं 4 याद हो गए होंगे आपको। बिगड़ देखे बोलने की कोशिश करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व को कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जान किसकी गई? मजदूरों की। विश्व श्रमिक संस्थान, ठीक है, आईएलओ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ की भी संस्थान कहां पे? जेनेवा में। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी क्या है? स्वास्थ्य के कारण जान गई, तो जेनेवा में है उसका मुख्यालय भी। और कितने जनों की गई? G15, 15 जनों की, तो उसका मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा में। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। जेनेवा में 4 मुख्यालय, चारों याद रहेंगे मेरे हिसाब से।
व्यापारियों की जान गई, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मजदूरों की जान गई, कितनों की, 15 की जान गई जनेवा में, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। आगे चलते हैं। अब है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो व्यापार हमने 1995 में स्टार्ट करा था 164 आदमियों के साथ। व्यापार हमने कब स्टार्ट करा 1995 में, व्यापार कब स्टार्ट करा आपसे 25 साल पहले 1995 में, कितने लोगों के साथ, 164 लोगों के साथ, और उस व्यापार में सबसे आखिरी पार्टनर हमारा था अफगानिस्तान। और ये ध्यान रखना जो यूएनओ में 193 देश है उनमें सबसे आखिरी कौन सा है, दक्षिणी सूडान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, 193 देश कौन सा, दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ने वाला सबसे आखिरी व्यापारी, तो व्यापार के मामले में जुड़ने वाला कितने, मैंने बताया 1995 में व्यापार आरंभ करा, 1995 में 164 लोगों के साथ, और 164 में कौन था, अफगानिस्तान था। जनेवा का दूसरा मैंने बताया था मजदूर, मजदूर क्या है 1919 जलियांवाला हत्याकांड के समय से मजदूरी चलती आ रही है, ठीक है 1919। और मजदूर कितने, देखो व्यापार में 164 जने लग रहे हैं तो मजदूर 164 के आसपास ही होंगे, वही देखो 164 से भी ज्यादा मजदूर है हम थोड़े से, 1919 से चलते आ रहे हैं 185 मजदूर। मजदूर श्रमिक कितने, 185 देश, श्रमिक में कितने देश शामिल है, 185। देखो मैं दोबारा बताता हूं, विश्व व्यापार संगठन व्यापार कब से करा, 1995 से व्यापार करा, व्यापारी की जान चली गई, जनेवा में मुख्यालय होगा, कितने लोगों के साथ, 164 लोगों के साथ करा। दूसरा पॉइंट आया विश्व श्रमिक, मैंने बताया 1919 से ही लगे पड़े बेचारे मजदूर, और कितने मजदूर हैं, मजदूरों की भी जान चली गई, कितने मजदूर लग रहे थे, 185 मजदूर लग रहे थे। उसके बाद मैंने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, स्वस्थ जिस दिन से हमारा देश आजाद होगा, बस जब से स्वस्थ देश 47 में आजाद हुआ, थोड़ा सा अस्पताल बनाने में टाइम लग गया एक साल, जब से हम स्वस्थ है 1948 से, क्या हम स्वस्थ है, जब से आजाद है हम स्वस्थ है, अपनी मर्जी से इलाज करा रहे हैं, 1948। और WHO 194 देशों में काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्थाओं में से एक है, किसकी, यूएनओ की, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काम करती है। अब आप कहोगे भैया यूएनओ में तो 193 देश है, लेकिन WHO एक ऐसी संस्था दुनिया में जितने भी देश है सब में काम करना चाहती है अगर कोई इसे इनवाइट करे तो। अब जो ये कोरोना चल रहा है इसमें भी कौन रिपोर्ट जो दे रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो रिपोर्ट दे रहा कि ये ऐसे करो लॉकडाउन की सलाह किसने दी, WHO ने, कितने देशों में WHO, भैया स्वस्थ तो हम 1948 से ही हो गए, देश आजादी के एक साल बाद जान चली गई बस, ठीक है स्वास्थ्य के चक्कर में, ठीक है। और क्या है 195 देशों में 194 देशों में ये काम कर दी, 194 देशों में टोटल 193 देश है इसमें, ठीक है। 164 कौन है, व्यापारी, 164 देश है व्यापार में, 185 किसमें, 185 मजदूर, 185 कौन है, मजदूर, 185 मजदूर है। आगे चलते हैं जी, ये भी हो गया एशियाई विकास बैंक, हो गया 66 या 67, एशियाई विकास बैंक 1966 में बना, 67 इसमें देश है, ये हो गया यूरोपियन संघ। देखो यूरोप वाले क्या करते हैं, संघ बना के ब्रुश करते हैं, क्या करते हैं ब्रुश, और कितने यूरोप वाले नाटे से, यूरोप वाले कितने बेचारे नाटे से, तो यूरोप वाले जो नाटे से हैं वो क्या करते हैं, ब्रुश करते हैं, ब्रुसेल्स, यूरोपियन संघ और नाटे क्या करते हैं, ब्रुसेल्स क्या करते हैं, ब्रुश। यूरोप वाले जो हैं वो तो 28 जने ब्रुश कर रहे हैं, और जो नाटे हैं वो 29 जने ब्रुश कर रहे हैं, कितने जने, 29 जने, ध्यान से देखना, यूरोपियन संघ वाले नाटे लोग ब्रुश कर रहे हैं, ब्रुश मतलब ब्रुसेल्स, यूरोपियन संघ नाटे जो है नाटो वो क्या कर रहे हैं, ब्रुश कर रहे हैं, ब्रुश मतलब ब्रुसेल्स में, दोनों के मुख्यालय यूरोपियन संघ में 28 है और ब्रुसेल्स में 39 है। ये नाटो क्या है, नाटो ऐसी संस्था है अमेरिका, चलो बाद में बताएंगे संस्थाओं का एक साथ ही। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, दक्षेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहा है क्वेश्चन, यूपी पुलिस में 2 आ चुका है, अगला पेपर आपका जेल वार्डन का होने वाला, रेलवे डी ग्रुप का और एनटीपीसी में से, शायद एनटीपीसी का पेपर पहले हो जो नोटिस दे रहे हो, वो जल्दी आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी, उसका ध्यान रखे थोड़ा सा। दक्षेस को पहले याद करें, दक्षेस का दूसरा नाम है सार, अब यहां पर सार साउथ, यहां पर साउथ को इंग्लिश में कहते हैं दक्षिण, दक्षिणी क्षेत्रीय को लेकर, तो सार कोरिया बस हिंदी और इंग्लिश का मतलब है, दक्षेस का ही नाम है सार, दक्षेस का ही नाम है सार, ये हिंदी में है ये इंग्लिश में है, बस इतना ही है, ठीक है। दक्षेस का मतलब क्या, सार, दक्षेस और सार।
सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय, सार्क ने कितनी बार काटा? 8 बार। 8 देश इसमें। सार्क कितनी बार काटेगी? 8 बार। सार्क कितनी बार काटेगी? 8 बार। और कितनी बार काटेगी? काठेगी से काठमांडू, काठेगी से काठमांडू, कहां पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू। कितनी बार काटेगी सार्क? 8 बार। और 8 बार जब काट लेगी तो 85 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कितने इंजेक्शन? 85। 1985 में इसकी स्थापना हुई। सार्क का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया, सार्क, सार्क ने काटा तो काठमांडू में मुख्यालय। कितने जनों को काटा? सदस्य पूछ रहे तो 8 बार काटा भैया। इंजेक्शन कितने लगे? कब बनी? 85 इंजेक्शन लगवाने पड़े भैया 1985। G15 बताया, 15 जनों की जान चली गई तो जेनेवा में इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, जेनेवा में मुख्यालय हो गया। और कितने? 15 जनों की जान गई थी। 15 की तो बताई, रिपोर्ट में 17 थे, पर रिपोर्ट में कितने थे? 17। कितने थे? 17। और कब? 1989 जब मैं पैदा हुआ, 1989 1989। आगे चलते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से सुनना, फुल फॉर्म आ जाती है इनकी। यू से यूनाइटेड एंड से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनियन नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को। तो कल्चर, कल्चर तो हमारा आजादी से पहले ही आए, 47 में आजाद हुए। स्वास्थ्य की बात करिए 48 में, WHO देखो, स्वास्थ्य की बात करिए 48 में, आजादी के एक साल बाद। लेकिन हमारे जो संस्कार है, जो कल्चर है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर तो आजादी से पहले ही, आजाद 47 में, कल्चर 46 से ही चला आ रहा, 1946 कल्चर कब से चला आ रहा? 46 से। और कहां से फैशन, कहां से चलता? फैशन की नगरी, फैशन स्टार्ट होता हमेशा पेरिस से। कहां से स्टार्ट होता? पेरिस से। और कितने देश फैशन करते हैं पेरिस में? 195 कितने देश फैशन कर रहे हैं? 195 कितने देश फैशन कर रहे हैं? 195 देश फैशन कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। देखो खाद, खाद देखो, खाना मिलेगा तब रोम रोम से दुआ देंगे, खाना मिलेगा, खाद मतलब खाने की चीजें, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाना मिलेगा तो हम रोम रोम से दुआ देंगे, रोम रोम से। लेकिन खाना एक दो आदमी को नहीं, कितने आदमी को चाहिए? 194 आदमी को। कितने आदमी को? 194 194 आदमी को। और कब? 1945 से बांट रहे हैं। कब से बांट रहे हैं? 1945 से। खाना, खाना मिलते ही हमारा रोम रोम दुआ दे रहा है। 194 आदमी, 194 देशों को हम खाना बांट चुके हैं। और खाना आजकल से नहीं, 1945 से बांट रहे हैं। कब से बांट रहे हैं? 1945 से। विश्व डाक दिवस, डाक में क्या लगा दी हमने? आग। आग को क्या कहते हैं? बर्न, बर्न हो रही है, ठीक है, डाक में क्या लगा दी? आग। ऐसे लव लेटर किस काम के है जी, जो आत्महत्या करनी पड़ जाए? देखो जरा, हमने क्या लगा दी? डाक में लगा दी आग, आग से बन गया बर्न, क्या बन गया? बर्न, ठीक है। और कब? 74 लेटर थे हमारे पास, 74 लेटर, जो हमारे कितने उन्होंने दिए थे? 192 प्रेमिकाओं ने, कितनी प्रेमिकाओं ने दिए थे? 74 लेटर थे जिनमें हमने आग लगाई, 1874 लेटर, 1874 लेटर। और कितने उन्होंने दिए थे? 192 प्रेमिकाओं ने, कितनी? 192 प्रेमिकाओं ने कितने दिए थे? 1874 लेटर दिए थे। राष्ट्रीय मंडल खेल, राष्ट्रीय मंडल जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ खेल, 2010 में भारत में भी हुए थे। ये राष्ट्रमंडल खेल क्या है? राष्ट्रमंडल खेल वो खेल है, वो देश इसमें खेलते हैं, ओलंपिक की तरह होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें वो देश खेलते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो लगभग 70-72 देश इसमें खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे बहुत, पाकिस्तान। तो राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ कहते हैं इसे इंग्लिश में, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में भी हुए थे, 19वें, 4 साल में होता, ठीक है। आगे चलते, कब? 1926 से स्टार्ट हुए, 1926। मैंने बताया किसके गुलाम थे देश? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की राजधानी क्या? लंदन, ठीक है। और कितने? 53 सदस्य देश है, लेकिन अब इसके सदस्य बहुत बढ़ गए हैं, 70-72 देश खेलते हैं, पहले 53 होंगे, ठीक है, 53 देश, कितने देश? 53 देश, ठीक है। आगे चलते हैं, गुट, गुट बना के रहते हैं, नाम बताओ कि कौन कौन गुट बना के रहता है, उनके नाम बताओ जी भैया। 61 जने, अच्छी है, 61 जने, साल में 120 डंडे मारेंगे। गुट बना के, गुट निरपेक्ष, गुट जो बना के रहते हैं उनका नाम बताओ, नेम, नेम बताओ भैया। 1-2 जना, 61 जने, 1961 में, अच्छी है, 61 है तो क्या होगा? 120 डंडे मारेंगे, 120
20 डंडे मारेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस यूनिसेफ, वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ, सेफ हमें रख सकता ताकतवर न्यूयॉर्क, सेफ कौन रख सकता हमें न्यूयॉर्क, ठीक है। कल्चर किसका, पेरिस का अपना रहे हम, ठीक है, लेकिन सेफ कौन रखेगा 1940 न्यूयॉर्क रखेगा, 1940 में कौन रखेगा न्यूयॉर्क रखेगा, यानी कि आप इसे ऐसे याद करो सेफ में, सेफ हमें रखेगा न्यूयॉर्क, ताकतवर देश सर, सेफ में कितने रुपए रखे हैं 1940 रुपए, कितने रुपए रखे 1940 रुपए जो हमें 190 देशों में बांटने, सेफ में कितने जने रखे हैं कितने रुपए 1940 रुपए, 1940 रुपए कितने देशों में बांटने 190 देशों में बांटने। इंटरपोल, इंटर की पोल खुल गई, इंटर में हम फेल हो गए, ठीक है, फोर फेल कौन से में, फ्रांस में पेपर देने गए हम, इंटर के कहां देने गए फ्रांस में, फेल हो गए, फैसा फेल, फैसा फ्रांस, इंटर में हमारी पोल खुल गई हम फेल हो गए, ठीक है। कुल कितने नंबर आए 33 बकवासों में 23 नंबर आए 1923, कितने नंबर आए 33 की जगह 23, कितने नंबर आए 23 और टोटल 192 में, टोटल कितना बैठा 192 में, टोटल कितना बैठा 192 में, टोटल 192 में, इंटर में पोल खुल गई कितना टोटल बैठा 192 में, और नंबर कितना है 1923, 33 की जगह 23 रह गए 1923, और पोल खुल गई टोटल 1192 में, और 192वां देश कौन सा फिलीपींस। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बारी बारी से इसी क्रम में करते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है बाद में बताएंगे, G15, G7, G20, सार्क, इन ब्रिक्स, इन सब के ऊपर पढ़ाया जाएगा, इनके मुख्यालय पढ़ाए जाएंगे, इनमें कौन कौन देश शामिल है यहां से क्वेश्चन आ जाता था वो पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, जैसे आज एक सुबह वीडियो डाली, एक ये डाली, एक और डालूंगा, अभी हिंदी की और रीजनिंग की बहुत तेजी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सितंबर में जितने भी बच्चे मेरी कोचिंग के, मैं फिर कह रहा हूं अगर कोचिंग खुलती है 1 जुलाई से शायद ओपन होने की बात है, पिलखवे में केस निकले जा रहे हैं, अगर और खुल जाएंगे तो पिलखवा भी जल्दी सामान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है आप अपने सिलेबस को रेडी रखिए, रीजनिंग का जितना आता उतने को रिवाइज मार के रखिए रीजनिंग और हिंदी का, बाकी मैं क्लास में डालने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। दो पेपर आ रहे हैं, जेल वार्डन 5000 भर्ती है, 5000 मैं कह रहा हूं एक बच्चा भी कोचिंग का रहना नहीं चाहिए, पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया। दूसरी भर्ती जो आ रही है वो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी वाली है, उसके लिए भी मैं सिलेबस को थोड़ा तेज खींचने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, जरा दोबारा से देखो, ब्रिक्स, ब्रिक्स में देश है 5, ये कितने देश है 5, 1 2 3 4 5, इन ये पांचों के नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितने देश है 5, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पे, चाइना के शंघाई में, शंघाई चीन में, और कब बना ये 2008 में। अब दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं बोर्ड की तरफ, मैं रिवीजन कराता हूं जल्दी जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ बता चुका 24 अक्टूबर 1945 में बना, न्यूयॉर्क में बना, किस लिए बना, दुनिया में शांति के लिए बना। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा की दुनिया की जब भी पैसे की बात हो तो आप बोलो वॉशिंग मशीन में धो दो, वाशिंगटन डीसी, और कब बना 1945 में, 1945, और दोनों खातों में विश्व बैंक हो, विश्व बैंक भी पैसे की बात कर रहा, दुनिया के पैसे की बात कर रहा, वॉशिंग मशीन में धो दो वॉशिंगटन डीसी, और दोनों के पास कितने पैसे हैं, इसके पास भी, इसके पास भी 189, 189 रुपए, कितने रुपए 189। विश्व व्यापार संगठन, व्यापारी मर गए, मर गए मतलब मरने को क्या कहा था मैंने, जान चली गई जेनेवा में, मर गए मतलब जान चली गई जेनेवा में, तो व्यापारी, और व्यापार कब से स्टार्ट करा 1995 से, व्यापार कब से स्टार्ट करा 1995 से, कितने लोगों के साथ 164 लोगों के साथ, व्यापार 164 लोगों के साथ 164। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशिया के विकास बैंक से क्या कह रहे हैं, मनी ला बैंक से कह रहे हैं एशिया वाले से मनी ला, कितने की 66 या 67, 1966 में बना 67 इसमें देश। श्रम संगठन, श्रम मैंने बताया श्रम मजदूर, जान चली बिचारों की जनेवा में, कितने 1919 से मजदूरी कर रहे हैं, कब से 1919 से, और मजदूर कितने हमारे मैंने बताया व्यापार में लग रहे 194, व्यापार में लग रहे 194 नहीं 164, व्यापार में कितने लगे हुए 164, व्यापार में कितने लगे हुए 164, व्यापार कितने जने कर रहे हैं 164, कब से स्टार्ट हुआ 1995 से, और जो श्रम मजदूर जो है 1919 से मजदूरी कर रहे हैं 1919 से, लेकिन कितने लोगों के साथ 185 मजदूर, कितने 185 मजदूर, कितने 185, व्यापार 164 लोग कर रहे हैं 165 से 1995 से 164 लोग व्यापार कर रहे हैं, 164 लोग व्यापार कर रहे हैं, 185 जने मजदूरी कर रहे हैं, तो ये 28 जने क्या, 28 जने सुनो यूरोपीय संघ वाले नाटे नाटे लोग ब्रूस कर रहे हैं, नाटे नाटे लोग ब्रूस कर रहे हैं, यूरोप वाले 28 ब्रूस कर रहे हैं, तो नाटे नाटे 29 ब्रूस कर रहे हैं 29 बार, ठीक है, और ब्रूसेल्स 1940 में, ब्रूस
कितने नाटे नाटे जो है वो 40 में, और जो यूरोपीय संघ वाले हैं वो 58। नाटे नाटो के पास कितने ब्रूस है? 40, और यूरोपीय संघ वालों के पास 58 ब्रूस है। कितने? 58। यूरोप वालों के पास 58 ब्रूस है, नाटो के पास 40, लेकिन यूरोप वाले 28 बार कर रहे हैं, नाटे वाले 29 बार कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य तो हम देश आजादी के तुरंत बाद ही अस्पताल बना लेते, 47 में आजाद हुए 1948 में। स्वास्थ्य के कारण बहुतों की जान गई, उससे पहले हमारी तो जनेवा में, ठीक है। और जान जाने के बाद देश कितने, WHO जो बहुत ज्यादा काम करता है, UNO से एक फालतू है। 194 देश, कितने देश हैं? 194। ये 8 किस्म होंगे सार्क में, ये 8 किस्म होंगे सार्क। सार्क ने कितनी बार काटा? 8 बार। सार्क ने कितनी बार काटा? 8 बार। काठा से मतलब काठमांडू में उसका मुख्यालय है, ठीक है, नेपाल में। 8 बार काटा। इंजेक्शन कितने लगे? 85। कितने इंजेक्शन लगे सार्क में? 85। सार्क का हिंदी में नाम है दक्षेश, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय विकास के लिए है ये, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है। G15 15 जनों की भी जान चली गई थी, 15 जनों की, लेकिन 17 देशों में से। कितने देशों में से? 17 देशों में से, ठीक है। और कब गई? 1989 में। 1989 में यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का देखो, 1946 यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का 1946। सेफ हमें रखेगा पेरिस, और यूनेस्को कल्चर की बात करेंगे, पेरिस फैशन चलता पेरिस से 1946 में दोनों। पेरिस से कितने देश फैशन करते हैं? पेरिस वाला 195 देश। कल्चर कितने जने अपना रहे? 195। और ये क्या कह रहा है यूनिसेफ वाले? कितने? 190। यूनिसेफ सेफ कितनों देशों के पास है? 190। सेफ में से 190 रुपए निकाल लें, सेफ में से 190 रुपए निकाल लें। खाद हम 45 से ही बांट लें भाई सब, 45 से ही। और रोम रोम में हमारे खाने की चीजें बसी पड़ी है, रोम रोम में हम दुआ दे रहे हैं उन्हें, रोम रोम से खाना मिलते ही। और 194 बार लॉकडाउन में खाना बांट चुके हैं, लॉकडाउन में रोम रोम से खाना निकाल कर बांट रहे भाई सब, 194 बार बांट चुके हैं। डाक में लगा दी आग, 74 डाक ही हम पे, 74 डाक आग लगा दी उनमें, ये दी 1874 आग लगा दी मतलब बर्न कर दिया। और कितनी वो प्रेमिकाओं से? 112 प्रेमिकाओं से हमें मिली थी वो, ठीक है। राष्ट्रमंडल मैंने बताया, राष्ट्रमंडल इसे कहते हैं, कॉमनवेल्थ खेल, भारत ने 2010 में अपने यहां किया था दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन के जो अधीन देश थे वो खेलते हैं, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और कब से? 1926 से खेलते हैं हम। 53 देश, अब 53 से ज्यादा, पर 53 देश आप इसे याद कर लीजिए। गुट निरपेक्ष, गुट बना के रहते हैं नाम, गुट वाले नाम बताओ उनका भैया, एक सज्जन है 1961। अच्छी है, 120 डंडे मारेंगे, 120 डंडे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया, इंटर में पोल खुल गई हमारी, इंटर में पोल खुल गई भैया, 23 नंबर आए, 33 पर पास होते 1923। मैंने की टोटल कितना आया? टोटल भैया 192 में, टोटल कितना आया? 192 में, टोटल 192 में। अच्छी अमन की कहां का पेपर दिया? फेल हो गया भैया फ्रांस का। ब्रिक्स को इंग्लिश में देखो, ब्रिक्स में 5 देश हैं, कितने देश हैं? 5। इसमें से सी जो लास्ट सेकंड लास्ट है चेन्नई, चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। और कब बना? 2008 में। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को दो बार जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समझ में आया ना है? मैंने सुबह भी कहा था देखनी जरूर है, कैसे रटो वो आपकी अटक है, लेकिन ये याद होने जरूरी है, दोनों टॉपिक सुबह वाला भी ये वाला भी। एक नंबर आपका 100 के 100% पक्का हो जाएगा।